हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक हेयर एंड बियर, और सिर्फ चारकोल पेंसिल से और चारकोल के सॉफ्ट वाले पेंसिल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड।
फ्रेंड्स, पहले हम हेयर और बियर्ड की लेयर बनाएंगे। पहले पहली लेयर बनाएंगे, बाद में दूसरी लेयर बनाएंगे। ऐसे हम कोई भी स्केच पर लेयर बाय लेयर हम बनाएंगे तो ही हमारा स्केच काफ़ी रियलिस्टिक और बढ़िया लगेगा। तो पहले हम एक पहली लेयर बना लेंगे, फिर बाद में दूसरी ब्लेंडिंग करके, ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ करके ब्लेंडिंग करके हम दूसरी लेयर बनाएंगे और बाद में हम हाईलाइट करेंगे। तो लेयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द स्केचिंग। एंड यस, मैं एक आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द स्केचिंग। क्योंकि आप फोटो को जैसे ऑब्जर्व करोगे ऐसे ही आपको स्केच बनाना है। तो आप फोटो में जो ऑब्जर्व करेंगे वैसा ही आपको स्केच में भी उसी जगह क्या चीज़ वहाँ फोटो पे है वो आपको स्केच में भी बनानी है। तो ऑब्जर्वेशन तो आपका होना ही चाहिए, और ऑब्जर्वेशन पावर आपकी प्रैक्टिस से आएगी। तो डू प्रैक्टिस एंड डू योर स्केच बेटर। तो फ्रेंड्स, अब हम फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर हमको डार्क एरियाज लगे वहाँ पर हम प्रेशर का अप्लाई करके हम डार्क करेंगे, और बाद में हम ब्लेंडिंग स्टम्प का इस्तेमाल करके ब्लेंडिंग करेंगे। और पूरे स्केच को ब्लेंडिंग करने के बाद हम टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर का यूज़ करके हाईलाइट करेंगे। और आपको जहाँ पर ऐसा लगे कि यहाँ पर हाईलाइट की ज़रूरत है वहाँ पर टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर का यूज़ करके प्रेशर का इस्तेमाल करके आपको हाईलाइट करना है। और आप जब टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर का इस्तेमाल करके
जब हाईलाइट करोगे तभी आपका स्केच काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा। तो आपको फोटो में जिस तरह से ऑब्जर्वेशन करके आपको जो हाईलाइट करोगे तभी आपका स्केच को रियल शेप मिलेगा। तो ऑब्जर्वेशन तो आपको करना ही होगा और इसके लिए आपको प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी हेयर और बियर्ड रियलिस्टिक लग रहे हैं और आपको हाईलाइट करके जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि वहां पर डार्क एरियाज है वहां पर आप पेंसिल से डार्क कर सकते हैं और आप हेयर और बियर्ड की बॉर्डर कर सकते हैं और तब भी आपके हेयर बहुत ही रियलिस्टिक लगेंगे और बाद में आप लास्ट में ब्लेंडिंग कर देंगे, इसलिए आपको स्केच है वो रियलिस्टिक लगे। और जब आपको ऐसा लगे कि वहाँ पर अभी भी हाईलाइट बाकी है तो आप इरेजर का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं हाईलाइट्स। तो फ्रेंड्स, बन गया है हमारा हेयर और बियर्ड्स काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है और सिर्फ एक ही पेंसिल से और ए ब्रश का इस्तेमाल करके बनाया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे बिगिनर्स आर्टिस्ट सीख पाए कि कैसे बना सकते हैं रियलिस्टिक हेयर और बिना किसी खर्च के सिर्फ और सिर्फ एक ही पेंसिल से। इस पेंसिल आपको मार्केट से मिल जाएगी 15 या 20।